हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फारुख मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अभी की जो हमारी वीडियो है, ये एक मूवी की ट्रेलर की रिएक्शन वीडियो, और इस मूवी का नेम है देश परदेश। पहले हम देखेंगे इस मूवी का ट्रेलर और उससे मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम इस मूवी का ट्रेलर और उससे मेरा रिएक्शन। ओ वाओ, धर्मेंद्र और पवन सिंह साथ साथ। क्या बात है, अरे वाह, बहुत बढ़िया लागत है। बाएं से सलमान खान, दाहिने से शाहरुख खान, अब पीछे से आमिर खान। अरे ना बाबू, कोनो खाट के नहीं खेला के के। ओ वाओ, चुकावे के बाद तो नौ महीना तुहार माई तो के पेट में रख लस, अपन दूध पिला के तो के बड़ा कैलस, खुद में सुना लस। उसका खर्च कैसे चुका सकते हो, क्या सही बात है। घर के छोटा मोटा एक हिस्सा तो है ना, बताए ना मालिक। अगर आज तू ये छत के नीचे खड़ा नहीं खे रहता, तो हम तो के फाड़ के कुत्ते के खिला देते। क्या बात है, कौन जबरदस्त कमाल के। ओ वाओ, स्टैंडिंग जबरदस्त। Outstanding.
तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और उसमें मेरा रिएक्शन। हम बात करेंगे आपसे इसी मूवी के हवाले से। भोजपुरी लैंग्वेज मूवी है और एक्शन और ड्रामा से भरपूर है। और ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इसके ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाऊँ, जो कि अब मैंने बना दी है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है और लिखा है विमल कुमार ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है आशुतोष पांडे ने। और इस मूवी के अंदर जो कास्ट में शामिल है वो है पवन सिंह, धर्मेंद्र, मोनालिसा, कादिर खान, रति अग्निहोत्री, ये इसकी मेन कास्ट में शामिल हैं। और जो कि अब हम बात करें आपसे इस मूवी के ट्रेलर के हवाले से, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था, अट्रैक्टिव था, बेहतरीन किस्म का काम है, परफॉर्मेंस से भरपूर जानदार और शानदार किस्म का, क्या ही कमाल का ट्रेलर था। डायरेक्ट दिल को छू रहा था। और आप तरह से कह लें फैमिली टाइप इसमें ड्रामा था, जो कि आप कह लें दिल को छूने वाला था, हकीकत से करीब। और जो कि इस तरह होता है, जो कि मतलब काफ़ी कुछ, मतलब जो उसमें सीन थे वो वाकई में हकीकत की अकासी कर रहे थे बेहतरीन तरीके से। वो जो सीन था डायरेक्ट के पढ़ाया लिखाया और सब कुछ, मतलब लंदन भेजा, MBA करवाया, और फिर मतलब फिर एक सीन दिखाया जो था ज़बरदस्त किस्म का, जिसमें वो बेटा कहता है माँ से कि मैं आपका मतलब कर्ज सारा चुका दूंगा ब्याज समेत ये वो। तो वो मतलब धर्मेंद्र ने फिर जो डायलॉग कहा कि 9 महीने पेट में रखा और फिर ये वो, मतलब जो खुद सूखे में मतलब तुम्हें रखा, गीले में खुद सोई, मतलब काफ़ी दिल को छूने वाला डायलॉग था, बहुत दिल के करीब। और इस तरह हकीकत में यही होता है कि जब आप किसी अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, तरबियत दें, बाहर ममालिक भेजें, अपनी सारी जायदाद सब कुछ बेच बाज के सब कुछ उस पर लगा के, और फिर जब वो आता है तो काफ़ी उसके आप कह लें एक तरह से तेवर ही और रंग रूप बदल जाते हैं, और फिर वो लड़ाई झगड़े, मतलब काफ़ी कुछ, मतलब उस तरबियत में कमी रह जाती है शायद, जो कि इस मूवी के अंदर आप कह लें उसको मेन पार्ट है। और जो पवन सिंह की एक्टिंग का तो क्या ही कहना है, मल्टी टैलेंटेड है, उन्होंने का काम भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है। ये मूवी बहुत ज़्यादा आप कह लें कि अगर जिन्होंने नहीं देखी, मेरा मानना ये कि उनको ज़रूर 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 देखनी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त किस्म की मूवी है। मूवी की स्टोरी बहुत उमदा और आला तरीन है और एक्टिंग और परफॉर्मेंस से भरपूर है। एक्शन भी मिलेगा इसको आपको, जो उसमें ड्रामा है वो ज़बरदस्त है, बेहतरीन किस्म के सॉन्ग्स हैं और उन पर परफॉर्मेंस और दिल को छूने वाले सॉन्ग्स भी, और मूवी में सॉन्ग्स जो हैं वो मूवी की कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं एक तरह से बेहतरीन तरीके से, कोई भी एक्स्ट्रा इजाफी नहीं है। और बहुत ऐसा लग रहा है कि सबने बहुत जम के परफॉर्मेंस से काम किया और मल्टी टैलेंटेड कास्ट है मूवी की। तो आप सोच लें धर्मेंद्र जैसे महान कलाकार इसके अंदर हैं, तो फिर कैसे हो सकता है कि मूवी बेकार हो। पवन सिंह हैं और कादिर खान के भी कवाली जैसा सॉन्ग था जो कि बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था, और जो कि आप कह लें इसमें काफ़ी कुछ मूवी में देखने लायक है, जो कि जब आप देखेंगे तो आपकी तवज्जो का मरकज बनी रहेगी। और मूवी की कहानी और जो स्क्रीन प्ले और जो मूवी में उतार चढ़ाव, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पहलू हैं जो कि आपकी तवज्जो का मरकज बने रहेंगे। और जिन्होंने देखी है तो उनको पता है कि कितनी ज़बरदस्त जानदार और शानदार किस्म की मूवी है, सब कुछ है इस बेहतरीन मूवी के अंदर जो कि लोग देखना चाहते हैं एक तरह से। जब आप देखेंगे, जिन्होंने नहीं देखी तो उनको भरपूर वो इसको इन्जॉय कर सकेंगे। और सॉन्ग्स मतलब बहुत ज़बरदस्त थे, काफ़ी मज़ेदार, अच्छे थे, इंटरेस्टिंग थे, और एक्टिंग, परफॉर्मेंस सब कुछ, और जो मूवी की कहानी है वो डायरेक्ट दिल को छू रही थी। डायलॉग और परफॉर्मेंस एक तरह से भरपूर किस्म की मूवी है, कोई कमी पेशी नहीं। मेरे पास तारीफ के लिए अल्फाज नहीं मिल पा रहे, तो मैं यही कहूँगा कि माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, बहुत कमाल का ट्रेलर था, दिल खुश हुआ। और एक तरह से बाग बाग जिसे कहते हैं ना, क्योंकि बहुत इस तरह की मूवीज़ ही बननी चाहिए जिनमें सब कुछ हो, एक तरह से फैमिली टाइप दिखाई हो। लेकिन जो आजकल मूवीज़ जो बॉलीवुड में जो बन रही हैं, तो बनती हैं जो कि उसमें कुछ भी इस तरह का नहीं होता, जो कि भोजपुरी मूवीज़ के अंदर इन सारी चीज़ों को अहमियत दी जाती है, फैमिली को, परिवार को, और मतलब कहानी का रुख बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से दिखाया जाता है, जो कि कह लें कि एक प्लस पॉइंट है। और इन्होंने भोजपुरी वाले जो इंडस्ट्री है, इन्होंने एक शान जान रखी हुई है, जो कि मतलब बताया है मतलब कि इस तरह की होती हैं फिल्म, तो जो कि ये फिल्म थी जो वाकई में काबिले तारीफ है, और मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि जो मतलब जो हक और सच बात होती है वो वाकई वाजे हो रही है। बहुत मज़ा आया इस ट्रेलर को देखते हुए, मैंने भरपूर इंजॉय किया। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और उसमें मेरा रिएक्शन, और इसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू इस मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।